तो ये एक इंट्रो मेकर के नाम से एप्लीकेशन है, मैं प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये कितने आसानी से मिल जाती है। ये मैंने देखें इंट्रो मेकर सर्च किया ना, तो ये मेरे रिकमेंडेशन में पहले से ही सबसे ऊपर आ गया। अभी मेरे पास तो डाउनलोड है, आप लोगों के पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ओपन किया, इंस्टॉल हुआ है ना भाई। तो अभी तो ये अभी इसके अंदर ये देखें बहुत सारे लोगोज़ हैं, ये गेम लोगोज़ हैं, ये पॉपुलर वाले हैं, ये आपकी वीडियो के एंडिंग के लिए हैं, ये फिर से गेम इंट्रोज हैं, ये लोगोज़ हैं, ये यूट्यूब के लिए, ये क्यूट, ये ग्लिच, ये व्लॉग्स। तो अभी मैं आप लोगों को एक नॉर्मल बना के दिखा देता हूँ, चलें भाई गेम का बना लेते हैं। इसको ये आपने जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, अभी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये आ गया अभी इंट्रो। इसमें अब आपने अपना टाइटल वगैरह डालना है, तो ये नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टेक्स्ट, टाइटल, स्टिकर, म्यूजिक, पिक्चर, टेम्पलेट। तो टेक्स्ट मैं लगा देता हूँ पहले अपने चैनल का, ये अभी आ गया मेरे चैनल का नाम, ठीक है। आप लोगों का जो भी चैनल है उसका नाम रख लीजिए, जैसे करना है करें, इसमें से जो भी हेडिंग अच्छी लगे वो वाली लिख दें, ठीक है। फिर ये जितने ड्यूरेशन के लिए आपको रखनी है पूरा रखें, मैं तो एंड तक रख रहा हूँ। फिर इसकी प्लेसमेंट ऊपर रखना है, कोने में रखना है, साइड में रखना है। फिर इसके बाद ये नीचे हम स्टिकर पे चले जाते हैं, स्टिकर में ये सब्सक्राइब वाला है और सब्सक्राइब कर लगा लेते हैं पहले, ठीक है। फिर ये जो ये ऐसे मैं आगे तक लेकर जाता हूँ, ये ड्यूरेशन होता है। अभी और स्टिकर्स देखते हैं, ये फायर वाला आ गया, फायर भी लगा लेते हैं भाई। फायर वाला भी हमने लगा दिया, स्टिकर। अभी और स्टिकर लगाएंगे हम भाई, आप लोगों को जितने दिल चाहे आप लोग उतने लगाएं। तो अभी ये मेरा कंप्लीट हो गया है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी मैं आगे चल रहा हूँ, अब ये मैंने पूरा बना लिया। अब इसके बाद मुझे म्यूज़िक डालना है इसमें, तो इसमें आप इसमें से म्यूज़िक चूज़ कर लें, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ फायरफ्लाई, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रखेंगे, 70 रखेंगे, 70। तो ये हमने गाना डाल दिया, गाना पूरा आ गया एंड तक। तो बस अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो अब इसको हम इसको डन कर देंगे, जो टिक का निशान था ना इसको आपने टिक कर देना है बस। ये हो रहा है टिक, ये एक्सपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद ना आप इसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं, या कहीं अपलोड कर लें, या जा रखनी है रख लें, जो करना है कर सकते हैं। अब ये मेरी वीडियो इंट्रो हो गया रेडी, तो इसमें ऑप्शन है शेयर ऑन यूट्यूब, अपग्रेड 2080p, शेयर, मर्ज इंट्रो एंड वीडियो, मेक थंबनेल्स। मर्ज इंट्रो एंड वीडियो के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इसका इंट्रो डायरेक्ट वीडियो पे कैसे लगा सकते हैं। लोगों के सवाल आते हैं भाई इंट्रो तो हमने बना लिया, अब इसको वीडियो के साथ ज्वाइन कैसे करें। और थंबनेल्स अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लोग ऐसी वीडियो डाल देते हैं, वीडियो के कहीं से भी बीच में से पिक्चर सेलेक्ट होकर थंबनेल लग जाती है। तो थंबनेल्स भी मैं बताऊंगा अपनी एक और वीडियो में, अगर मेरी इस वीडियो पे 100 से ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं थंबनेल वाली भी बनाऊंगा। तो अभी मैं इसको शेयर कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ अपने फ़ोटोज़ पे। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लीगा, आप लोग वेट कर लीगा।
तो भाई मेरी वीडियो अभी अपलोड हो गई है, अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसी कैसा बना है इंट्रो। सॉरी, तो चलते हैं। ये देखें, ये आ गया मेरा इंट्रो, ये ऐसा बन के आउटलो आई है। तो इसको अब फिर हम लोग यहाँ पर शेयर करना चाहें, जो भी करना चाहें, इसको अपनी वीडियो में शुरू में लगा इस्तेमाल भी करना चाहें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो अब के लिए।